दुर्ग जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। दुर्ग जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष राजेश श्रीवास्तव के निर्देश पर मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जहां गरीब व निशक्त महिलाओं को शिविर तक लाकर उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया और उनकी हेल्थ कार्ड भी बनाया गया। जिसकी जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राहुल शर्मा ने बताया कि गरीब व निशक्त महिलाओं को जारी किए जा रहा हेल्थ कार्ड से वे किसी भी हेल्थ सेंटर में जाकर अपना स्वास्थ्य परीक्षण करा सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य स्वस्थ समाज का निर्माण करना है, जिसकी दिशा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित किए गए शिविर में निःशक्त व सड़क पर भीख मांग कर जीवन यापन करने वाली महिलाओं को ई रिक्शा के माध्यम से शिविर तक लाया गया और उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। इस संबंध में न्यूज टीम को विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राहुल शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सबसे पहले महिलाओं का स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए स्वास्थ्य शिविर आयोजित की गई है और विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा एक अनोखी पहल भी की जा रही है। जो रास्ते में लावारिस महिलाएं हैं, जो अपंग महिलाएं हैं, उनके लिए हम ई रिक्शा के माध्यम से उनको यहां ला के उनके शिविर एवं हेल्थ कार्ड भी बनाया जा रहा है। हेल्थ कार्ड की पहले हम लोग नहीं करने वाले, पर एक अच्छा स्कीम है। लेकिन महिलाओं का हेल्थ कार्ड भी बनता है, उनको बहुत सारी चिकित्सा सुविधा जो है वो निःशुल्क एवं बहुत समय पर मिल जाती है, इसलिए उनका हम हेल्थ कार्ड भी बनवाएं और साथ में जो जरूरी चिकित्सा सुविधाएँ होती हैं वो उपलब्ध करा रहे हैं। हेल्थ कार्ड की जो सुविधाएँ होती हैं, जैसे गर्भवती महिलाएँ होती हैं तो उनका निरंतर हर महीने जाँच की जाती है, तो वो उनके द्वारा की जाएगी। हेल्थ कार्ड के माध्यम से हर महीना उनसे संपर्क किया जाएगा और उनकी जाँच जो रेगुलर होती है वो रेगुलर बेसिस में की जाएगी। हेल्थ कार्ड का बेनिफिट ये भी है, जो केंद्र होते हैं, स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, उनमें भी बहुत सारे अच्छी सुविधाएँ निःशुल्क मिलती हैं, तो ये कार्ड बनवाना ही चाहिए हर महिलाओं को। ब्रांड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।